ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन हिमाचल का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक जिला है। यहाँ समूचे हिमाचल का 70% टमाटर का उत्पादन यही होता है। यहाँ टमाटर का मूल्य कुछ ही दिनों में डबल हो चुका है, जिसका मुख्य कारण मानसून का जल्द आना माना जा रहा है। टमाटर के साथ साथ सब्जियों के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। सोलन हिमाचल का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक जिला है। यहाँ समूचे हिमाचल का 70% टमाटर का उत्पादन यही होता है। यहाँ टमाटर का मूल्य कुछ ही दिनों में डबल हो चुका है, जिसका मुख्य कारण मानसून का जल्द आना माना जा रहा है। टमाटर के साथ सब्जियों के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। टमाटर का मूल्य 30 से 50, आलू 20 से 25, प्याज 20 से 30, भिंडी 20 से 40, बीन 20 से 40, शिमला मिर्च 30 से 60, गोभी 20 से 40 रुपए हो चुका है। यही वजह है कि आम जनता का जीना मुश्किल हो चुका है और उसका बजट महंगाई के कारण बिल्कुल बिगड़ चुका है। शहरवासियों ने कहा कि सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। उन्होंने बताया कि सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से घर चलाना मुश्किल हो चला है। महंगाई के दौर पर सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आसमान छू रहे हैं। आजकल सीजन भी टमाटर का लगा हुआ है, फिर भी हमें 60 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं और करेला, शिमला मिर्च ये सब 60 रुपए 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। हमें इससे बहुत समस्या आती है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। सब्जियों के दाम कुछ कम होना चाहिए और जिससे हर घर में आराम से सब्जी खरीदी जा सके और हमें कोई ऐसी समस्या ना हो जो कि हम सब्जियाँ खरीद ना पाए। समस्या यही है कि घर का बजट बिगड़ रहा है और हम आराम से इन सब्जियों को ले नहीं पा रहे। आम नागरिक के पास इतना बजट नहीं हो रहा है, सब्जी वगैरह बहुत महंगी जा रही है। नुकसान जो सब्जी पहले कम रेट में जा रही थी, अब दुगने रेट में ले रहे हैं लोग, तो मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है गुजारा करना। और इसके लिए ना तो जो मार्केटिंग बोर्ड हैं वो कोई नियंत्रण कर रहा है, ना जिला प्रशासन कोई नियंत्रण कर रहा है, ना हिमाचल प्रदेश सरकार इसके लिए कोई नियंत्रण कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन से कि अपनी कुंभकर्णी निद्रा को छोड़ करके इस ओर ध्यान दे और जो ये बेतरतीबे ढंग से सब्जियों के दाम 5 मिनट तो 10 मिनट के अंदर जो बढ़ जाते हैं उस पर अंकुश लगाएं। वहीं दुकानदारों और आढ़तियों ने बताया कि बारिश की वजह से जहां महाराष्ट्र की फसल खराब हुई है, वैसे ही हिमाचल में भी टमाटर की फसल खराब होने की कगार पर है। टमाटर की मांग समूचे हिमाचल में बढ़ चुकी है, जिसके चलते टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं फ्रांस बीन को छोड़कर सभी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। ये सारा खेल मांग और पूर्ति पर आधारित माना जा रहा है। मांग बढ़ने और बरसात की मार के कारण बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। मैं विजय कुमार सूद सोलन सब्जी मंडी आरसी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं और मेरा एक गंज बाजार में दुकान होने के नाते रिटेलर भी हूं। इस वर्ष विपरीत मौसम समय पर बारिश ना होने के कारण और जब फसल तैयार हो गई उसके उपरांत एकदम भारी बारिश होने के कारण टमाटर, शिमला मिर्च और लोकल सब्जियों पर बहुत असर पड़ा है और फसल कम रह गई है। टमाटर के रेट खासकर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उसका कारण एक ये भी है कि महाराष्ट्र में भी इसी कारणों से टमाटर की फसलें बहुत ख़राब हुई हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले में हर सब्जी इस वर्ष ज़्यादा ऊंचे रेट हैं या पिछले वर्ष के मुकाबले में ज़्यादा ऊंचा रेट है। सिर्फ फ्रांस बीन या बीन के रेट कम हैं, बाकी किसी सब्जी के, आलू के भी रेट तेज हैं। यही कारण प्याज का भी है। पिछले वर्ष प्याज का रेट इन दिनों में 1500 रुपये किलो रिटेल में था, इस वर्ष एक दो चार दिन में ही 20 से 30 रुपये रिटेल हो चुका है। और मैं मानता हूँ कि लोग लेडीज हैं, उनको बजट में ये सारी बातें असर करती हैं, लेकिन जो कीमत है वो तो मांग और सप्लाई और मांग और पूर्ति पे निर्भर रहती है। जैसे ही मांग वो पूर्ति बढ़ेगी और रेट कम होंगे, जैसे मांग कम होगी या मांग बढ़ेगी रेट कम ज़्यादा होंगे। टमाटर, भिंडी, घिया, बैंगन, शिमला मिर्च, तोरी, अरबी, आलू, प्याज सब के रेट बढ़े हुए इस टाइम। क्या क्या रेट में? टमाटर पहले 30 रुपये था, 50 रुपये हो गया।
आलू 20 था 25 हो गया, प्याज 20 था 25 हो गया, भिंडी 20 था 40 हो गया, बीन 20 था 40 हो गया, शिमला मिर्च 30 था 60 हो गया, और गोभी 20 रुपए था, इस टाइम 40 रुपए बिक रहा है। आगे तो बढ़ते रहेंगे क्योंकि साल सब्जियां बहुत कम है। मैं अपने बाजार में सब्जी बेचता हूँ, और भिंडी जो 30 रुपए किलो थी वो 40 रुपए किलो हो गई है, और टमाटर जो 30 रुपए था 40 रुपए किलो हो गया, धनिया 200 रुपए किलो हो गया, और घिया 40 रुपए किलो, बैंगन 40 रुपए किलो, करेला 40 रुपए किलो, ये सब सब्जियां 30 रुपए किलो चल रही थी पहले, अब 40 रुपए किलो रेट हो गया है। और खीरा 30 रुपए किलो हो गया, जो पहले 10 रुपए और 15 रुपए किलो में था, सब सब्जियों में बढ़ोतरी हुई है। और टमाटर जो है वो 40 रुपए किलो और 50 रुपए किलो बिक रहा है, मंडी में 900 और 1000 रुपये का रेट है, और बाजार में 40 और 50 रुपए किलो है।